हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपली शारो। तो विश्वकर्मा पूजा है आज, और विश्वकर्मा पूजा की बहुत सारे शुभकामनाएं सबको। तो हम लोग अभी है कैंप में, और कैंप लाइफ के एक और ब्लॉग में आप सबको बहुत वेलकम। तो आज का वेदर मैं दिखा देती हूँ, कितना सुंदर है देखिए, बहुत तेज धूप है। वैसे तो ज़्यादा टाइम बारिश ही रहता है, लेकिन आज का वेदर अच्छा है तो ऐसे तैयार होके हम लोगों को जाना है। जाने से पहले गाड़ी का पूजा, मतलब बाइक का पूजा तो करना ही चाहिए, इसलिए आरिश और आरिश के पापा दोनों अपना वाहन साफ कर रहे हैं, उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं एमटी में। वैसे तो हमारे साइड जैसे वेस्ट बंगाल में विश्वकर्मा पूजा का तिथि पड़ा है मंडे को, और इधर तो आज संडे है, संडे को विश्वकर्मा पूजा है। तो चलिए जहाँ पे है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वेदर भी अच्छा है, क्लियर है, बारिश नहीं है, आए दिन बारिश होता ही रहता है इधर। तो अभी तैयार होके हम लोगों को एमटी में जाना है, 201 की एमटी में भंडारा है, क्योंकि उधर विश्वकर्मा पूजा हो रहा है। तो पूजा में जाने का टाइम तो नहीं बताया, लेकिन एमटी में भंडारा में जाने के लिए बोले। तो हम लोग अभी तैयार हो जाएंगे, और मैंने पूजा कर लिया विश्वकर्मा पूजा, और मतलब बाइक का पूजा वगैरह हो गया। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, सारे लोग लगभग चले गए हैं, मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ। सोचा एक ब्लॉग आप लोगों के लिए तो ज़रूर बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं अभी ब्लॉग रेडी कर रही हूँ और जल्द से तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो सबसे पीछे जाके बैठना पड़ेगा मुझे। और बस तो लग जाता है, इधर बस चला गया ले जाने के लिए एमटी के पास 201। तो देखते रहिएगा वीडियो, आई होप वीडियो अच्छा लगेगा। और कैंप से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखते रहिए सिंपली शो। प्रियंका कहाँ जा रही हो? तो मंदिर से भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ रहे हैं, पहला चीज़ वो है प्रसाद लेने के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे बनाना और बूंदिया दिया जा रहा था, उसके बाद आ जाता है हम लोगों का फोटो सेशन हमारे प्यारे दोस्त लोगों के साथ। और फोटो सेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रसाद लेना, मतलब खाना खाना भंडारा। तो अभी उधर ही जा रहे हैं, लेकिन इतना तेज धूप है कि आंखें जल रहा था, आंखों से पानी भी आ रहा था। पहले तो लगा था कि चलो सही है और वेदर अच्छा है, लेकिन अभी लग रहे हैं कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा सा क्लाउडी रहता तो अच्छा रहता। तो उसके बाद फाइनली हम लोगों को बैठने का जगह मिल गया, खाली हो गया, तो हम लोग बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। इधर खाना बन रहा है और साइड में हम लोग बैठे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा है, पूरा नहीं आ पाए। और अभी काफ़ी लोग खड़े हैं, उन लोगों को सीट भी नहीं मिला, तो सबको सीट मिलेगा, सबको खाना मिलेगा, सब कुछ होगा। तो हम लोग को क्या क्या खा रहे हैं वही दिखाऊंगी। और देखिए सामने है एमटी वाला रोड, जो मैं पहले नहीं दिखाई, और मैं तैयार होने के बाद भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मैं लेट हो गई हूँ। तो ये है हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे दीदी, हमारे बहुत क्लोज है ये सब। तो सबके साथ हम लोग अच्छे से भंडारा में खाना खाए, मस्ती किए, और इन्जॉय करने के बाद अभी घर जाने का टाइम हो गया। तो साल में एक दो दिन ऐसे निकल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। एमटी का भंडारा और विश्वकर्मा पूजा तो पूरा ख़त्म हो चुका है, पीछे पूरा खाली है, सब लोग चले गए हैं, बाकी बस गिने चुने दो तीन लोग ही बाकी है। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, सोचा काम धाम भी उसको छोड़ के थोड़ा बहुत फन करने का भी मज़ा, मतलब अच्छा लगता है ना, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम सब लोग साथ ही मिलकर मस्ती करते करते घर पहुंच रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।